नमस्कार मित्रों, सावेर विधानसभा क्षेत्र में आप सभी हितग्राहियों की उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय तुलसी सिलावट जी की ओर से आप उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष माननीय श्री राजेश सोनकर जी की ओर से आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य उपस्थित होने जा रहे हैं। आज दिन भर से माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत व्यस्ततम दिनचर्या इस इंदौर महानगर में रही है। इस समय भागीरथपुरा क्षेत्र से एक परिवार में, बहुत विपन्न और निर्धन परिवार में भोजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से प्रस्थान कर लिया है और मुझे लग रहा है कि 5 या 7 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्वनिधि संवाद कार्यक्रम में आप सब लोगों से बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित होंगे। और जिलाध्यक्ष जी ने जानकारी दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो गए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी कविता पाटीदार जी, मनोज पटेल जी से कि मुख्यमंत्री जी की अगवानी करें। माननीय जीतु जी, राती जी आ गए मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी और लोक कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आज हमारी विधानसभा क्षेत्र सावेर में पधार रहे हैं और हम सबके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे लाडले विधायक माननीय तुलसी सिलावट जी भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद आज सावेर विधानसभा के इस पहले कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी हितग्राहियों का हम अभिनंदन करते हैं, पत्रकार मित्रों का भी हम अभिनंदन करते हैं जो बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हैं। बच्चियों वाला फोटो नहीं हो पाएगा, अब ये शासकीय कार्यक्रम है। संगठनात्मक हस्तक्षेप इसमें ना के बराबर है। आज उद्बोधन का फोटो छाप दीजिए, कन्या पूजन के तो 4 फोटो हो गए ना, एयरपोर्ट के भी हो गए, उसके बाद बहुत सारे सरकारी कार्यक्रमों में जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं एक नवाचार आया है, एक बहुत पावन परंपरा का निर्माण करा है कि प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम के पहले कन्याओं के पाद पूजन करे जाते हैं। तो 2-3 कार्यक्रमों में ये पाद पूजन कन्याओं के हो गए हैं। तो यहां पर उद्बोधन के चित्र आप लोग ले लीजिए। स्वनिधि संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। स्वनिधि संवाद से अभिप्राय यह है कि समाज का जो सबसे निचला तबका है, पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उसको समाज में बराबरी का स्थान प्रदान कराने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वनिधि योजना प्रारंभ करी है। और इस स्वनिधि योजना का जो केंद्र बिंदु है वो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को, ग्रामीण क्षेत्र के मत्स्य पालन करने वालों को, ग्रामीण क्षेत्र के फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों को, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत छोटे और लघु व्यापारियों को, और इसमें अर्बन क्षेत्र भी शामिल है। तो इस स्वनिधि शासन के द्वारा वोकल और आज मुख्यमंत्री जी आप ऐसे सभी हितग्राही मित्रों से संवाद करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं जिन्होंने इस स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ अर्जन करा है, लाभ प्राप्त करा है, या हितग्राही के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को संबल प्रदान करते हुए इस योजना का लाभ प्राप्त करा है। कहां पे? नहीं, वो पत्रकार दीर्घा है ना, जो हमारे पीछे, नहीं आप पूछ लो अखंड साहब, पहले बिठवा सकते हैं ना वो।
ये जो हमारी मातृशक्ति बैठी है, ये जो आगे का ब्लॉक है हमारे पत्रकार मित्रों वाला, हमारी मातृशक्ति आ जाए। मुख्यमंत्री जी जब सीधा संवाद करते हैं तो विशेष करके वो माता बहनों से बातचीत करते हैं सीधी, तो आप थोड़ा सा आगे निकल कर आ जाइए, जो मेरा हाथ दिखा रहा हूं इस वाले ब्लॉक से। और ये जो आगे सफेद कुर्सियां हैं, इन सफेद कुर्सियों पे हमारी मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, चार रोड छोड़कर, चार रोड हमारे चार जो पंक्तियां हैं वो पत्रकार मित्रों की है, और हमारी माता शक्ति जितनी है वो आगे की तरफ आ जाए आप, और यहां बैठ जाए आगे की पंक्ति में, ऐसे साइड से निकल के आ जाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री पर्यटन विभाग की आदरणीय उषा दीदी ठाकुर जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी है, हमारे मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री कैबिनेट श्री तुलसी सिलावट जी हमारे मध्य उपस्थित है, हमारे माननीय विधायक गण हमारे मध्य उपस्थित है, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हमारे मध्य उपस्थित है, शासन की हमारी कैबिनेट मिनिस्टर पर्यटन विभाग की आदरणीय उषा दीदी ठाकुर जी भी हमारे मध्य उपस्थित है, हमारे जल संसाधन विभाग के मंत्री और संप्रति हमारी अपनी सावेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय तुलसी सिलावट जी जो कैबिनेट मंत्री, हमारे माननीय सांसद श्री शंकर ललवानी जी भी हमारे मध्य उपस्थित है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रांगण में प्रवेश हो गया है, वो 2-3 मिनट के अंतराल में यहाँ मंचाप सीन होंगे। श्री सुदर्शन गुप्ता जी भी हमारे मध्य उपस्थित है, हम उनका भी सावेर विधानसभा में अभिनंदन करते हैं। आज का ये जो हमारा स्वनिधि संवाद कार्यक्रम है, इसका मुख्य कार्यक्रम का संचालन आदरणीय लीली डाबर दीदी जी करेंगी, मैं केवल पूर्व पीठिका में आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। बहुत बड़ी संख्या में यहां पर हितग्राही भी उपस्थित हैं, ऐसे सब लोग भी उपस्थित हैं जो इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे सावेर के विधायक के माननीय तुलसी सिलावट जी के जल संसाधन मंत्री कैबिनेट बनने के बाद अपने उत्साह का प्रदर्शन करने यहां आए हैं, ऐसे सभी मित्रों की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि कृपया ढोलक बंद कर दे हमारे माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित है, आप लोग जोरदार कंतर ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। इस स्वनिधि संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं आप सबके साथ, और मैं आग्रह करूंगा लिली दीदी डाबर से कि वे आए और कार्यक्रम का विधिवत संचालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भैया। आप सभी की हर्षित ध्वनि बता रही है कि हमारे मुखिया को पाकर हम सब कितने प्रसन्न हैं। मां भारती के चरणों में शत शत नमन करती हूं, और साथ ही यहां उपस्थित समस्त सम्माननीय जनों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं, प्रणाम करती हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सब यहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी चौहान के इंदौर भ्रमण के दौरान लसूड़िया कैलोदहाला में विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण एवं संवाद कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं। तो आइए हो शुभारंभ कर शुभारंभ, शुभ बेला आई मंचासीन। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय मंत्री द्वय से अनुरोध है, आदरणीय राजेश भैया से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और हमें क्या करना है ये हमें अच्छे से पता है। अपने इस दीपक की साक्षी में अपने इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश, दीपक अपनी ज्योति से देता है संदेश, विनय सुनो हे परमेश्वर पूर्ण करो उद्देश्य। दीप ने कुछ यूं कहा, दीप ने कुछ यूं कहा, मैं उपस्थित हूं यहां,
दीप ने कुछ यूं कहा, मैं उपस्थित हूं यहाँ, क्या हुआ जो हो लघुत्तम देह के आकार में, ज्योति सुत हूं ज्योति माँ का हूं निडर निर्भीक हूं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे कन्या पूजन के लिए मंच के बाईं ओर कन्याएं बैठी हुई हैं। कन्या पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मध्य प्रदेश शासन ने तय किया है, बच्चियों के मामा ने तय किया है कि हर शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ कन्या पूजन से होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कारों की जन्मभूमि है, जन्मे है हम जिस भू पर, परंपरा की पुण्य भूमि है, जग में है सबसे बढ़कर। हर बेटी को देवी माने, हर बेटी को देवी माने और करे सम्मान, उनके पैर पूछ कर करते बारंबार प्रणाम, उनके पैर पूछ कर करते बारंबार प्रणाम। संस्कारों की जन्मभूमि है, जन्मे है हम जिस भू पर, परंपरा की पुण्य भूमि है, जग में है सबसे बढ़कर। शक्ति की आराधना हम 9 दिनों में करते हैं, बेटी के पाद पूजन से, कन्या पूजन से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। लक्ष्मी बिटिया के लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं, बेटियों के मामा बेटियों का पूजन करते हुए सभी एक बार शक्ति के नाम पर तालियां बजाएं। कन्या पूजन हो रहा है, 9 दिन हम शक्ति की आराधना करते हैं और अब बारी है हमारे मुखिया हमारे बीच उपस्थित हैं अतिथि स्वागत की। हमारे अपने आप सभी के अपने आदरणीय तुलसी भैया से अनुरोध है कि वे तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करें। हमारी सबकी दीदी आदरणीय उषा जी ठाकुर से अनुरोध है कि वे पुष्प कली भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। लोकप्रिय और सक्रिय सांसद माननीय श्री लालवानी जी से अनुरोध है कि वे पुष्प कली भेंट कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय भाई राजेश जी सोनकर से अनुरोध है कि वे साफा पहनाकर पुष्प कली के साथ साथ साफे की भी राजेश भाई ने व्यवस्था की है, राजेश भैया साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। और युवा नेतृत्व श्री गौरव जी रणदिवे से अनुरोध है कि वे पुष्प कली भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे साफा पहनाकर। भाई राजेश सोनकर जी और माननीय मंत्री द्वय, गौरव रंगदिवे जी और मंडल अध्यक्ष निपानिया मंडल श्री प्रकाश जी कारीगर जी मुख्यमंत्री जी का पुष्पकली भेंट कर स्वागत करें। श्री गोविंद सिंह जी शिप्रा मंडल के अध्यक्ष पुष्पकली भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और जैसे कि मंशा थी, अन्य सभी कार्यकर्ता नारी शक्ति आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नारी शक्ति आमंत्रित है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, थोड़ा सा जल्दी आए। एक हमारी नारी शक्ति राजेश भैया, थोड़ा सा आप लोग जल्दी आ जाइए प्लीज। ये महिला शक्ति को आने दीजिए स्वागत के लिए, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। एक नहीं तो चार नहीं, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो तालियां जरूर बजाइएगा। महिला शक्ति सामने है, एक नहीं तो चार नहीं, हर क्षेत्र में सक्रिय है नारी। एक नहीं तो चार नहीं, हर क्षेत्र में सक्रिय है नारी। जो अनुगामी थी पुरुषों की वो आज बनी आगमचारी, जो अनुगामी थी पुरुषों की वो आज बनी आगमचारी। हमारी महिला शक्ति
माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए और अब पुष्प कली के अलावा जब मन में भावों का भंडार हो तो अपने आप देखिए फूलों के वजन से मन के अंदर उत्साह जो है, उमंग जो है, आत्मीयता का भाव है, उसका वजन आप नाप पाएंगे। स्वागत हम करते हैं आपका, करते हैं सम्मान इन पुष्पों की सुरभि सा महके जीवन प्राण। यही हमारी भावना है, यही हमारी भावना है, यही हमारा ज्ञान, यही हमारे संस्कार है, यही हमारा मान। स्वागत हम करते हैं आपका, करते हैं सम्मान पुष्पों की इन सुरभि सा महके जीवन प्राण। पुष्पों एवं तुलसी के पौधे से स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देते हुए हमारे मन के मृदु उद्गार आपका स्वागत बारंबार शब्दों की माला से स्वागत के लिए आमंत्रित है आपके हमारे अपने आदरणीय श्री राजेश सोनकर जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यार अपन 53,000 ही लोग यहां बैठे हैं, सांवेर विधानसभा को 53,000 वोटों से जिता के भेजने वाले लोग बैठे हैं और जहां पर ऐसे ऐतिहासिक लोग बैठे हैं तो वहां भारत माता की जय और वंदे मातरम में कमी नहीं होना चाहिए। बोलिए वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, आज हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आस्था के केंद्र, या मैं यूं कहूं कि हमारे परिवार के मुखिया हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियां बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भाई साहब का अभिनंदन करें, अपने स्वागत करें। बंधु, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका नाम हमारे मुंह पर आते से ही हमारी नजरों के सामने जो चित्र बनता है वो किसी राजनेता या मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि हमारे अपने परिवार के सदस्य का लगता है कि हम हमारे परिवार के व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा हमने सुना, वे हमेशा जनता के बीच में बोलते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। यह नारा नहीं है, यह उनके मन का भाव है, जिस भाव के साथ वो मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मन से निकले हुए ये जो भाव है, इसने मध्य प्रदेश के हर परिवार से बल्कि परिवार के हर सदस्य से एक नाता और एक रिश्ता जोड़ा है। उनकी जितनी भी योजना है, उन योजनाओं में चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की बात करें तो बुजुर्गों के श्रवण कुमार बेटे की का रिश्ता उन्होंने कायम किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से उन गरीब परिवार की बेटियों के पिता के साये के रूप में उनके सिर पर उन्होंने हाथ रखा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं के बड़े भाई की भूमिका उन्होंने निभाई है। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे जिन्होंने संबल योजना के माध्यम से हर गरीब परिवारों के दुख में एक साहस और संबल बनकर खुद ने खड़े होने का काम किया है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने विधानसभा के उपचुनाव में 29 अक्टूबर की रात को 12 बजे जब रोड शो का समापन हमारे इस क्षेत्र में किया था, आचार संहिता के कारण रात को 10 बजे प्रचार प्रसार बंद हो गया था, लेकिन हजारों की संख्या में हमारे सिंगापुर टाउनशिप, सिंगापुर एनएक्स, सिंगापुर ग्रीन्स, हमारे सुपर सिटी बिज्जूखेड़ी, ढाबली, केलाथाला, लसुड़िया, यहाँ के सैकड़ों हमारे बंधु भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 2 घंटे 2.5 घंटे तक बैठकर इंतजार करते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था चुनाव के बाद में मैं आपके बीच में आऊंगा।
आपको आभार व्यक्त करूंगा। आपका वो लाड, आपका वो प्यार जो आपने भाई साहब के प्यार को जीत के रूप में बदल के दिया, और मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वयं ने चुनाव जीतने के बाद ये इच्छा जाहिर की, आदरणीय तुलसी भैया को, शंकर भैया से, गौरव जी से, मेरे से, भाई साहब ने कहा कि मैं सिंगापुर टाउनशिप में लोगों से वादा करके आया था कि चुनाव के बाद आपसे मिलने आऊंगा, आपके दर्शन करने आऊंगा, मुझे सिंगापुर टाउनशिप चलना है और वहां के सभी मतदाता बंधुओं से मिलकर उनका आभार व्यक्त करना है। आदरणीय भाई साहब आज हमारे बीच में आए, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं चूंकि ये हमारा अपना परिवार है, वो हमारे परिवार के मुखिया है, और परिवार में परिवार का अभिनंदन स्वागत मैं समझता हूँ। ये मंच की एक औपचारिकता है, सिर्फ मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि परिवार के व्यक्ति का तो स्वागत किया नहीं जाता। लेकिन मैं चूंकि जब परिवार के मान को बढ़ाने का काम हमारे परिवार के मुखिया करते हैं तो ये हमारी जवाबदारी होती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि भाई साहब हमको याद है जब इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के अधिकारियों ने उन्हें कहा था कि मां नर्मदा को लिफ्ट करके अगर हम छिपरा में ले आएंगे तो मालवा क्षेत्र और सांवेर विधानसभा के सैकड़ों गांवों में हरियाली होगी, खुशहाली होगी, वहां के किसानों की किस्मत को चमकाने का काम होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने उस फाइल को कचरे की पेटी में ये बोलते हुए पटक दिया था कि ये कोई पागल व्यक्ति ही सोच सकता है कि नर्मदा को हम छिपरा से जोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही मां नर्मदा के आशीर्वाद से और मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भाई साहब आपने ये बोलते हुए कि असंभव मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे शब्दकोश में नहीं है, और आपने मां नर्मदा को छिपरा में लाकर जोड़ने का जो पवित्र काम किया था, आज उसी के कारण सांवेर विधानसभा के सैकड़ों गांव में मां नर्मदा और मां छिपरा कल कल और छल छल बहती हुई जा रही है। भाई साहब पिछले चुनाव में हमारी सांवेर विधानसभा के लोगों ने आपसे आग्रह किया था कि मां नर्मदा और छिपरा को आशावंती नदी से जोड़ दिया जाए, लगभग 50 गांव के किसान भाइयों को उसका लाभ ही मिलेगा। आपने वो काम भी कर दिया भाई साहब, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आज सांवेर विधानसभा में मां नर्मदा और छिपरा आशावंती नदी के माध्यम से लगभग 50 गांवों में कलकल और चलचल बहती हुई नजर आ रही है। आपने सिर्फ पानी पहुंचाने का काम नहीं किया भाई साहब, सांवेर विधानसभा में आपने वो पवित्र विधानसभा बना दिया जहाँ के सैकड़ों गांव में मां नर्मदा बह रही है। आज हमारे वहाँ बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे मां नर्मदा का गान करते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, आज वो तीर्थ स्थल बन गए हैं। ऐसी सांवेर विधानसभा को आपने पूरे तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया, इसलिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ऐसा आपका स्वागत करता हूँ। साथ में आपने माननीय तुलसीराम सिलावट जी को जल संसाधन मंत्री बनने के बाद एक और वो असंभव काम किया जो आप ऐसा कहते हैं कि मेरी शब्दकोश में ना शब्द नहीं है। आपने जब इस सांवेर विधानसभा को उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से 179 गांव में जोड़ने की योजना बनाई थी, दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमलनाथ जी ने उस योजना को फिर डस्टबिन में डाल दिया था, कचरे की पेटी में डाल दिया था। लेकिन आपने सिलावट जी को मंत्री बनाते से 2400 करोड़ रुपए स्वीकृत करके सांवेर विधानसभा से 179 गांव में नर्मदा का पानी हमें पीने के लिए और खेती के लिए भेजने का काम किया भाई साहब, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब नर्मदा गंभीर योजना के माध्यम से भी नर्मदा, हमारे मनोज भाई बैठे हैं, उसमें भी देपालपुर के साथ साथ सांवेर विधानसभा के भी 32 गांव में आपने नर्मदा जी का पानी भेजने का काम किया था भाई साहब, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये बात को मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण विधानसभाओं में सांवेर विधानसभा वो सौभाग्यशाली विधानसभा है जिसके लगभग लगभग समस्त गांवों में नर्मदा का पानी हमें पीने के लिए मिलने वाला है और हमको सिंचाई के लिए मिलने वाला है। यह मध्य प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसका लाभ हमारे बिच्छूखेड़ी को भी मिलेगा, केलोद को भी मिलेगा, तलावली चांदा को भी मिलेगा, लसुड़िया को भी मिलेगा। अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से सिंगापुर टाउनशिप और सिंगापुर टाउनशिप से लगी हुई जितनी भी टाउनशिप है यहाँ भी मां नर्मदा का पानी आपके माध्यम से पहुंचेगा। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने इस समय नशे के व्यापार में जिस प्रकार से हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो काम किया जा रहा था, पकड़ने का जो काम किया, जिस प्रकार से नशे के व्यापारियों को आपने पकड़ा है भाई साहब, उसके लिए भी सांवेर विधानसभा की समस्त जनता आपके लिए आपका आभार व्यक्त करती है, आपका अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है। आज इस हितग्राही सम्मेलन में पांचों जिले हमारे नागौर, डुमरिया, नीमच, बड़वानी
के जितने भी हितग्राही जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसमें बैंक के अधिकारी, अन्य सभी अधिकारी जो आप पारी सरकार की इस योजना को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय उषा दीदी, शंकर लालवानी जी और मंच पर हमारे जितने भी सम्मान्य अतिथि, बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय भारत, बात की जाए कि अजीत ने पूरी तरह से हमारे मुखिया के प्रति आपके अंदर जो भाव है, जो जज्बात है, उनको जगा दिया है, तो क्यों ना एक बार तालियों से सहमति दें कि हम अपने मुखिया को सुने, एक बार हाँ की आवाज आना चाहिए। आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, आप सभी को संबोधित करने के लिए। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटे मुख्यमंत्री, गरीब के बेटे मुख्यमंत्री, एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री परम सम्मानी शिवराज जी चौहान जी का इस माँ अहिल्या की नगरी में मैं आप सब की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये गूंज भोपाल तक जाना चाहिए, ऐसी ताली बजना चाहिए। मां आपको भी मंत्रिमंडल में मेरी छोटी बहन संस्कृति पर्यटन, जिनका वास्ता हमेशा से आस्था से और विश्वास से रहा है, उषा ठाकुर जी, इतिहास रचने वाले मेरे अनुज, लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, लगा रही शंकर जी बैठे हैं, ताली बजना चाहिए ना। अभी जिले के मुखिया और शहर के मुखिया राम और लक्ष्मण, राजेश सोनकर जी, गौरव रणदुबे जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मनोज पटेल जी, इधर से करूं मैं, ये जीतू भैया है ना, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, इनके लिए तारूर जरूर बजाओ। कोई भी पवित्र काम करो तो एक मातृ शक्ति का होना बहुत जरूरी है। हमारे संगठन की मध्य प्रदेश की महामंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानी कविता जी, सभापति नरुका जी, मंच पर मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के सम्मानी सदस्यगण, जनपद के सम्मानी सदस्यगण, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडी अध्यक्ष जी, सावेर के नगर पालिका के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको चरणों में नमन करता हूं, मात शक्ति को प्रणाम करता हूं। यह अवसर, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का जब पूरे देश में उपचुनाव होने वाले थे, सबसे चर्चित चुनाव कोई था तो वो आपका था, सावेर का था। रात को 2 बजे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, ये चुनाव तुलसी टाइट है, क्योंकि अब ये चुनाव संचालक जी नहीं है हमारे, क्यों रमेश जी नहीं है ना, मधु वर्मा जी नहीं है, क्यों सावन भाई, हम रात को पूछते थे, बाकी में उनकी सीख जो एक नई कल्पना मध्य प्रदेश में उभरी है, सीयू और ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के अंदर विकास और प्रगति का एक नया इतिहास रचने वाली है, एक नया मध्य प्रदेश आपके सामने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होने वाला है।
जो इतिहास आपने रचा, एक नहीं दो दो पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली से लेकर भोपाल तक की कांग्रेस को जो ऐतिहासिक, क्योंकि अब बची कहां कांग्रेस, कहां चली गई धरातल में, जो इतिहास आपने रचा है, आज वो सम्मान मुख्यमंत्री आपका आभार देने आए हैं। क्योंकि रात को 1 बजे एक पीड़ा, एक कशिश, एक सोच, एक चिंतन सदे मुख्यमंत्री को था कि मैं, जो मेरी बहन, मेरा समाज का अंतिम व्यक्ति, मेरा अन्नदाता, मेरा तरुण रात को बैठा था, वहां मुझे जाना है। ऐसे मुख्यमंत्री मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में कोई इतिहास बनाएगा ना, उस व्यक्ति का नाम शिवराज जी चौहान साहब है। और आज का दिन एक पवित्र अवसर आपने दिया, जो ये तुलसी सिलावट खड़ा है ना, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से कहा, आज तुलसी मैंने आपको सौंप दी है। क्यों मुख्यमंत्री जी, यही कहा ना, गलत तो नहीं कहा मैंने, शिव और ज्योति को तुलसी समर्पित कर दी है। जो आज ये मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है, ये सम्मान आपका है। तुलसी सिलावट मंत्री नहीं बना है, सावेर का एक एक व्यक्ति, क्योंकि मुख्यमंत्री आपका, देश के प्रधानमंत्री आपके, और ये बेटा आपका, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं, एक कल्पना की थी कि सावेर पंजाब बने। जब मैं रात को 1 बजे मैं मुख्यमंत्री के कक्ष में सिंधिया जी के साथ, जब 185 गांव की आपकी पीड़ा, आपके कष्ट को, आपकी भावनाओं को लेकर आपके पास गया था, कांग्रेस के लोग ये बोलते हैं ये हमने स्वीकृत कर दी ये योजना 5 अगस्त, क्यों राजेश भाई, मनोज जी, 5 अगस्त को कोई कर सकता था, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी था। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सावेर पंजाब बनने वाला है, उसके बाद जब मध्य प्रदेश का ओजस्वी मुख्यमंत्री ऐसा हो, जब राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उन्होंने बड़ी सौगात, अब जानते हैं जल जीवन मिशन के माध्यम से, सदे मुख्यमंत्री जी, मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज जी का, और ज्योति राय सिंधिया जी का, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि एक एक घर में ये जल योजना 143 करोड़, 165 गांव, एक भी गांव नहीं बचेगा जिसको, जो एक संकल्प राष्ट्र के नहीं विश्व के प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री ने लिया है, जल नल से मिलेगा। इसलिए बधाई देने आया हूं मैं आपको। आप जानते हैं पूरा संकट, महामारी का दौर, इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व, 23 मार्च मध्य प्रदेश में क्रांति आई, एक नया संघर्ष। उस दिन एक किसान के बेटे ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी था। मुख्यमंत्री के दिल और दिमाग में वो करुणा थी, वो तड़प थी कि करोना वायरस, सीधे मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वल्लभ बन गए, पहली बैठक पूरे आला अफसर के साथ इस संकट को, इस महामारी को, उस दिन से लेकर आज तक प्रतिदिन कोई समीक्षा करता है, मध्य प्रदेश की कोई चिंता पालता है इस महामारी से, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। आप जानते हैं संकट के दौर में हमारा मध्य प्रदेश, इस किसान के बेटे का, मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश, जो खरीद, जो बम्पर फसल गेहूं की हुई थी, 1 करोड़ 37 लाख मेट्रिक टन गेहूं
समर्थन मूल्य पर पूरे देश में किसी ने मध्य प्रदेश में खरीदा था, वो व्यक्ति किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे। एक बार नहीं, दो बार फसल बीमा का लाभ मिला कि नहीं? मिला ना आपको? दो बार संबल योजना, मैंने कहा ना कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का जब दोनों का समन्वय होता है, जो शक्ति एक साथ मिलती है, तो अन्नदाताओं के लिए 6000 सम्मान निधि अन्नदाताओं को देश के प्रधानमंत्री ने जी 4000 इस संकट के दौर में किसी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने 10000 रुपए सम्मान निधि मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को दी। इसलिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? आप जानते हैं जीतू जरादी जी यहां बैठे हैं, हमारे रंजीत वर्मा जी वहां बैठे हैं, मोहन भाई बैठे हैं। एक घटना घटी रात को, हमारे अपने वर्ग की कंपेल की याद है ना मनोज जी, रात को एक सोच के लिए एक हमारी मां जाती है, सद्य मुख्यमंत्री जी पैर रखती है तो वो सोच में गिर जाती है, उसका बेटा बचाने जाता है, दोनों मर जाते हैं। संबल योजना से उस कंपेल के परिवार को 4-4 लाख रुपए कोई कर सकता था तो ये सरकार, आपकी सरकार ने किया। उसके बाद आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बुनियाद, मध्य प्रदेश की शक्ति, मध्य प्रदेश का भविष्य कोई बर्बाद करे तो ये आपका बेटा ड्रग माफिया, भू माफिया, रेत माफिया और एक मिलावट के खिलाफ, मैंने मिलावट के खिलाफ, तो जब मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना जब इन्होंने ली, मैंने आप सब की मध्य प्रदेश की जनता की ओर से अनुरोध किया था कि सारी जंग आप लड़ रहे हैं मिलावट के खिलाफ भी, आईपीसी धारा के अंदर 272, 273, 74 के अंदर आजीवन कारावास, ये मुख्यमंत्री आपके लिए कोमल है, पनीन माफियाओं के लिए जो हनुमान जी का वज्र है ना, उससे कम नहीं है। इसलिए मैं आपको सद्य मुख्यमंत्री जी, पूरी मध्य प्रदेश की युवा शक्ति को जो खराब करने का काम, ड्रग, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे पुलिस अधिकारियों को, मैं सद्य मुख्यमंत्री की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, एक अच्छा काम किया। क्योंकि बातें बहुत सारी करना है, जिस परिसर में, जिस कॉलोनी में हम आए हैं, सद्य मुख्यमंत्री जी मेरा अनुरोध है, एक तलावली चांदा है, वो नगर निगम में नहीं है, वो पंचायत में है, मेरा आपसे अनुरोध है 4 करोड़ की सड़क अनुमति आपकी चाहिए है, पैसा आपके, आपने हमें दे दिया है, एक तो ये करना है। जब मैं पहली बार इस, जो ये 5 नंबर में था, मैं डाडिया जी नहीं है, एक अंडर पास, इतना पानी, मेरी बेटी बैठी है इधर, सद्य मुख्यमंत्री जी एक ब्रिज की भी हो सकता है अंडर पास के लिए, और टाउनशिप मैं सोचता हूं कि फिली टाउनशिप, सिटी लाइट टाउनशिप, कालिंदी गोल्ड, एक संकट है जो बिजली का बिल स्थाई और अस्थाई, बड़ी लड़ाई, और मैं वाकई में सौभाग्यशाली हूं, मैं अपने आप को गौरव समझता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला, जिसके जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। ये बिजली के बिल थोड़ी कष्ट है, थोड़ी मुझे भी पीड़ा है, तो इसका भी निराकरण आपको करना है। समय बहुत हो चुका है, मैं आपसे
सद्य मुख्यमंत्री के सामने एक अपने जीवन में संकल्प लेता हूं, ये तुलसी आपके आंगन की है, ये तुलसी वो सबसे अंतिम व्यक्ति है भाजपा का, सबसे छोटा कार्यकर्ता है, जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए तो इस बेटे को माफ करना, क्योंकि सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है, पद पाना मेरे जीवन का नहीं है, ये मेरा संकल्प है। मैं सीखा हूं क्योंकि भाजपा मेरी मां है, भाजपा की मां के इस आंचल में इस बेटे ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं, जाने अनजाने में त्रुटि हो जाए गोलू भाई तुम माफ कर देना, ठीक है ना। मैं फिर से, मैं आज हमारे केंद्र सरकार के देश के प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो हमारी स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो हमारे हितग्राही हैं उनका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जोरदार तालियों से हितग्राहियों का स्वागत करें। मैं इस मां अहिल्या की नगरी में जो आपने इतिहास रचा उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं। सद्य मुख्यमंत्री के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विकास की गंगा, ये विकास की यात्रा, ये विकास का संकल्प, ये विकास का संकल्प, ये विकास का सपना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में रुकने वाला नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं फिर से आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबसे ज्यादा मां शक्ति को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, हितग्राहियों को मैं नमन करता हूं। हमारे जो समाज के एक मुख्यमंत्री जो बेटी की पूजा करता है, एक मुख्यमंत्री पूर्व जो बेटी को आइटम कहता है, ये अंतर है हमारे इस मुख्यमंत्री में। जोरदार तालियों बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अब उनसे अनुरोध करता हूं, सद्य मुख्यमंत्री जी आपका आशीष आपके इस परिवार को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, निपानिया छिपरा और सावेर विधानसभा वालों की, सिंगापुर कॉम्प्लेक्स वालों की, मंच पर विराजमान ये तुलसी तेरे आंगन की। मेरी सरकार के जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल यही नहीं है, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, पटकर विक्रेता, वो आज प्रदेश भर में इकट्ठे हैं, उन सबके खातों में बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपया जाने वाले हैं, तो पूरे प्रदेश में सुनने वाले और यहां बैठे हुए, क्योंकि हमारे भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, नगरी विकास मंत्री वर्चुअली आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरी बहन, मेरी मंत्रिपरिषद के सदस्य सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री शंकर ललवानी जी, भाई राजेश सोनकर जी पूर्व विधायक यशस्वी नेता, भाई सावन सोनकर जी, सुदर्शन गुप्ता जी, मोहन जी, जीतू जिलाती जी, गौरव रणदेवे जी, बेटी सुश्री कविता पाटीदार जी, प्रेम सिंह जी, सुखलाल जी, सावन प्रकाश जी, गोविंद जी, सुधी जी, सुमेर सिंह जी, अब नाम बहुत है इसलिए माफ करना, मंच भरा पूरा है, मंचासीन सभी और नीचे बैठे हुए सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और मेरी
प्रणाम करूंगा, फिर बात शुरू करूंगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, मैंने जब एक बार ऐसे प्रणाम किया तो मेरी कांग्रेस के मित्रों ने मजाक उड़ाई कि मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है, अपनी जनता मेरी भगवान है, उसके सामने लाख बार घुटने टेकूंगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, गुंडा, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी में जहर घोलने वालों को मध्य प्रदेश की धरती पर सलामत नहीं रहने दूंगा, आर्थिक कमर तोड़ के तबाह और बर्बाद कर दूंगा। अपनी जनता के हम सेवक हैं, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वो सचमुच में अद्भुत है, बेमिसाल है। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, आपने हम में विश्वास व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। हम आपकी सेवा के लिए, और ये तुलसी सिलावट जी जो बात कर रहे थे, नर्मदा मैया का पानी सावेर की पवित्र धरा के गांव में जाएगा जाएगा जाएगा, वो कोई चुनावी वादा नहीं था, वो हमारा संकल्प है। और हमने कहा भी है तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक एक वचन जो दिया है, एक एक वचन पूरा किया जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि चुनाव के बाद भूल जाए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सिंगापुर कॉम्प्लेक्स वालों, आधी रात को हम आ पाए थे, तब मैं बोल नहीं पाया था, मैंने केवल फोटो खिंचाए थे, हाथ मिलाया था। हम मुझे इस कॉम्प्लेक्स की कई समस्याएं यहां बताइए, रहवासी संघ ने भी मांगे दी है, और सबसे बड़ी मांग तो यह है कि नाम तो है सिंगापुर कॉम्प्लेक्स, लेकिन बरसात में इतने पानी में डूब जाता है, अंडरब्रिज से निकल के जाए तो कैसे जाए। आज हम ये फैसला कर रहे हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री से बात करूंगा, और रेलवे की अनुमति लेके यहां ओवरब्रिज बनाया जाएगा, अंडरब्रिज से काम नहीं चलेगा। सिंगापुर जैसा बनाना है भाई, काम करने आए हैं। मैं उन बस्तियों से आया था निकल के, अलग अलग हमारी काकड़ बस्तियां, कौन कौन सी थी, बिजुखेड़ी, ढावली, निपानिया काकड़ पट्टे का आपने बोला था, आए हैं क्या वहां से? ये बिस्तारा काकड़, निपानिया काकड़, आया क्या वहां से? अरे जोर से बताओ रे, आए हैं क्या? तो रात में मामा ने क्या कहा था? पट्टे देंगे। अरे गरीब बहनों बताओ क्या कहा था मामा ने? मैंने ये कहा था कि वर्षों से गरीब झां झोपड़िया, टूटा फूटा कच्चा पक्का मकान बना के रह रहा है, अभी वो डराया जाता है, सताया जाता है, हटा देंगे, मिटा देंगे,
उनको मैं कहना चाहता हूं, मां सास की भूमि पर पट्टा देके उसका मालिक बनाया जाएगा। देखो भैया, जितने बड़े बड़े माफिया है उनसे जमीन हम छुड़ाएंगे। बड़े दादा गुंडा तुर्रम खां उनको नहीं छोड़ेंगे। उनने कब्जे किए हैं तो उनकी जमीन छुड़ा के सरकारी करेंगे, लेकिन गरीबों को जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके लिए काम करने आई है। आपने बिजली समस्या की बात कही है, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, यहां के रहवासियों ने और अनेकों छोटी बड़ी समस्याओं के ज्ञापन दिए, वो 4 करोड़ की क्या बात कर रहे थे यार तुलसी, क्या यार घबराते हो, 4 करोड़ कोई बात है, मामा मुख्यमंत्री बन गया, काय को चिंता कर, मिल जाएगी अनुमति। अभी आप सबके साथ शंकर जी, सांसद जी, उषा जी सब बैठे। इंदौर के विकास की योजना आज हमने बनाई है। मैं इतना कहना चाहता हूं, इंदौर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और विकसित शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और केवल एक तरफा विकास नहीं होगा, विकास होगा तो सर्वांगीण, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, सीवेज का सिस्टम। अरे कान नदी को गंदा नाला नहीं, शुद्ध कल कल छल छल करके बहने वाली पानी बहा के वो ले जाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको भी शुद्ध कर दिया जाएगा जल को। सारी बुनियादी व्यवस्थाएं हम इंदौर में करेंगे। स्वच्छता में तो पंच लगाएंगे ही हम, लेकिन मैंने ये भी कहा कि गरीबों की जगह चाहिए। आज स्ट्रीट वेंडर भाई बहन मेरे, हाथ ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, चाय की दुकान वाले, सड़क पर सामान बेचने वाले, कबाड़ वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, मेरे मोची भाई, नाई भाई, धोबी भाई, छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई हो, मेरी बहने हो, तुम्हारी जिंदगी बदल ली है हमें। कोरोना में धंधे चौपट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे कई भाई बहन, अब फिर से वो आबाद हो पाए और उनकी आजीविका की गाड़ी चल पाए, इसलिए आज स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपया बिना ब्याज का लोन दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी चल सके। और एक बात मैंने साफ कही है, इंदौर भव्य बनेगा, सुंदर बनेगा, लेकिन गरीबों को की जगह भी इंदौर की गोद में रहेगी। हम ऐसे हैकर्स कॉर्नर विकसित करेंगे जहां गरीब आदमी अपना काम धंधा कर पाए और नगर निगम और पुलिस वाले उनको परेशान ना कर पाए। नहीं, हर कोई दादागिरी कर जाता है, गरीबों को भी जीने दो भाई, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनने दूंगा। बाहर से काम धंधा करने जो आएंगे, कई बार उनके पास रहने का मकान नहीं होता, उनको किराए पे सस्ते मकान मिल जाए इसके लिए भी गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, उसका इंतजाम भी किया जाएगा। इंदौर झुग्गी मुक्त बने और धीरे धीरे हर गरीब की पक्की छत बन जाए, इसके इंतजाम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंदौर वालों, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर की मेट्रो, इंदौर के, मैं आज कह रहा हूं गरीब बहनों और भाइयों को भी, मध्यम वर्गियों को भी, यहां के सरकारी स्कूल उनको प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाऊंगा। ये स्थिति हम पैदा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे कि सरकारी में बच्चों का एडमिशन करा दो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे हम। यहां बस चलेगी, ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए
केवल कार भी इंदौर में चलेगी, तारों पे जाएगी कार, कार मतलब बैठ के उसमें जाएंगे, तीसरा शहर इंदौर को ऐसा बनाएंगे, यहां काम धंधे उद्योग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के काम धंधे चले, अपने घरों में सामान बनाने वाली मेरी बहने, उनके सामान की मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, बाजार मिले, इसकी हम अलग व्यवस्था करेंगे, बनाने का स्थान भी और बेचने का स्थान भी, आईटी इंडस्ट्री हो, बाकी उद्योग भी आएंगे। उद्देश्य है कि मेरे बहनों और भाइयों, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम सबको हो जाए, इसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, मध्य प्रदेश बदल कर रख देंगे बहनों और भाई। इसलिए मैं फिर से मुख्यमंत्री बना हूं, सवा साल का वनवास मिल गया था बीच में, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी वनवास खत्म हो जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस ने गड़बड़ की तो सिंधिया जी बिगड़ गए, तुलसी भी आ गए, सवाई साल में फिर से बना ली, अब बने तो आपकी सेवा के लिए। आज मैं इंदौर पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, आज उनका स्वागत भी हम करने वाले हैं। क्या हो गया है कुछ लोगों को, समाज के दुश्मन कुछ लोग, ड्रग माफिया, ये गोली होती है कोई गोली, वो गोली अगर बच्चों ने खा ली तो फिर जिंदगी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद हो जाती है। ये ड्रग्स का नशा लेने वाले, ये ड्रग माफिया मेरे बच्चों का भविष्य चौपट करते हैं। छोटे छोटे बेटे बेटी 14-15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, कहीं हुक्का पार्टी, कहीं रेव पार्टी, कहीं कोई और पार्टी, और वो गोली खिलाई, जिंदगी तबाह हो जाती, आदत लगाते हैं बच्चों को। कितने ही परिवार तबाह हो गए रे हिंदुस्तान में। इंदौर में भी मैंने आदेश दिया, ये रेप पार्टी नहीं चलेगी, ये हुक्का पार्टी नहीं चलेगी, मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह करने का अभियान मैं किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, भोले भाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हमने तय किया कैसे माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाओ, मैं इंदौर की पुलिस को, यहां के आईजी डीआईजी जो अब आईजी हो गए, देशमुख हो चाहे नारायण चारी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, जनप्रतिनिधि हो, मेरे बहनों और भाइयों जो ड्रग्स पकड़ी है यहां 70 किलो एमडीएमए ड्रग, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 करोड़ से ज्यादा है, और एक बच्चा 1 ग्राम की गोली लेता है, अगर ये बच्चों तक पहुंच जाती तो 75,000 बच्चे तबाह और बर्बाद हो जाते, 75,000 परिवार तबाह हो जाते। इंदौर पुलिस ने इनको पकड़ा है, हैदराबाद से भी उठा के लाए, मैं इंदौर पुलिस को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, उन्होंने जबरदस्त काम किया है। लेकिन ऐसे माफियाओं, शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों की जिंदगी तबाह करने वाले ये माफिया छोड़े जाने चाहिए? अरे जोर से बताओ, छोड़े जाने चाहिए क्या? ये तबाह कर दिए जाएंगे, आर्थिक रूप से कमर तोड़ दो इनकी, इनके मकान और बिल्डिंग को तोड़ डालो, सब माटी में मिलाना है इनको, आर्थिक रूप से कमर तोड़ो इनकी, और जेलों में ऐसा सलाऊंगा कि जिंदगी भर निकलने नहीं दूंगा, जिंदगी भर समाज के दुश्मनों का दुश्मन हूं मैं। अब
कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आजकल मामा को गुस्सा आता है। अरे आता तो अच्छा आता है कि बुरा आता है बताओ? ये भू माफिया गरीब बेचारा पट्टे के लिए तरस जाए और ये बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लें। ये गुंडा बदमाश, मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के प्रशासन से खुलेआम ये गुंडे बदमाश, इनको बचने थोड़ी देना है। तबाह करो, तोड़ो, ताड़ो, मकानो, बाकी संपत्ति हो, इनकी असली जगह जेलों में। आतंकित करते हैं लोगों को, डराने धमकाने का काम करते हैं, दादागिरी करके संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। ऐसे भी बदमाश है जो बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, छेड़ाछाड़ी करने वाले, मासूम बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, उनकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं रोज बेटियों का पूजन करता हूं, पांव धोके उनका पानी माथे से लगाता हूं, चरणों का। उनके साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हमने तय किया है, कानून बनाया है, पत्रकार कहते लव जिहाद का कानून है। अरे मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देख रहा हूं, 15 साल की बेटी भ्रमित किया और ले गए। एक बेटी मैंने सिकंदराबाद से बरामद करवाई, एक बेटी मैंने नेपाल बॉर्डर नूरगंज से बरामद करवाई, सैकड़ों बेटियां जाती, सैकड़ों बेटियां। अगर पुराने सालों का इतिहास उठा के देखे, हजारों गायब हैं, मिलती नहीं है। बताओ ऐसे बेटियों को ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक स्वर से बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इनके लिए कानून बनाया है हमने, अब इनको पूरी उम्र जेलों में चक्की पीसना पड़ेगा, सख्त कानून बना दिया है। यह धर्म परिवर्तन का खेल मैं नहीं चलने दूंगा किसी भी कीमत पे। लोभ लालच दो, बहकाओ, डराओ, धमकाओ, नाम बदलो और बाद में जिंदगी की बेटी तबाह हो जाती है, बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है कि ये खेल चलने दूंगा किसी भी कीमत पे, ये खेल नहीं चलेगा। इसलिए हमने कड़ा कानून बनाया है। ये मिलावट करने वाले जहर बेच रहे हैं, जहर बताइए, आलू की एक फैक्ट्री में चिप्स बनाने वाली सड़ा आलू, उसमें एसिड मिला के साफ कर रहे थे, मारोगे क्या जनता को? कैंसर, पता नहीं किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्या जनता की जिंदगी लेने का ठेका दिया है तुम्हें? क्या क्या करोगे? मुट्ठी भर लोगे? ये मुट्ठी भर, ये जहर बेच रहे हैं, ये जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मिलावट करने वालों होशियार हो जाओ। छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। बताओ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पीछे तक बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इनको हम तबाह कर रहे हैं, वो फैक्ट्री तोड़वा दी, मैंने कहा तोड़ दो। और पत्थरबाज छत पर पत्थर इकट्ठे किए फेंक दिए। देखो रे बहनों और भाइयों, ये पत्थरबाजी करने वाले, अब पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध है? कौन पता नहीं कौन सी 300 कौन सी धारा लगती थी, कुछ होता ही नहीं था उसमें। 324 ये काय की धारा भरा है?
वही जमानत हो जाए। अब ये पत्थर फेंकते हैं तो लोग घायल होते हैं, मरते हैं, मर भी जाते हैं, भगदड़ मचती, आतंक फैलता है। कड़ा कानून बना रहा हूं, पत्थरबाजों को आजीवन कारावास होगा, मिलावटखोरियों को आजीवन कारावास होगा। बोलिए बनना चाहिए कि नहीं कड़ा कानून? और एक बात और सुन लो रे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, जरा कुछ हुआ तोड़ दो, आग लगा दो, सरकारी है, सरकारी तुम्हारे बात की है, जनता की है, जला दो, तोड़ दो, आग लगा दो। अब सुन लो, अगर ये हरकत किसी ने की तो पूरी संपत्ति जितनी होगी राजसात करके की सरकारी खजाने में, और दूसरे की भी दुकान तोड़ फोड़ दी अगर, बेचारों का क्या दोष, किसी की गुमटी में आग लगा दी, किसी कुछ कर दिया, उनके नुकसान की भरपाई भी जो ये हरकत करेगा उनकी संपत्ति नीलाम करके करूंगा। वो कानून बन रहा है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हम। खनन माफिया, खोदो ले जाओ, अब ये खेल नहीं चलेगा। साइबर माफिया, इस बार इनको ठीक करने आया हूं मुख्यमंत्री बन के चौथी बार। एक तरफ विकास, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जनता का कल्याण। अरे मेरे किसान भाइयों, चिंता मत करना रे, अभी तक कोरोना काल में 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में या तो डल गए या डलने वाले हैं, डालता रहूंगा आगे भी, चिंता मत करना, ठीक दाम मिले इसकी कोशिश करते रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड बना के देंगे, दूध वालों को भी क्रेडिट कार्ड आज मिल रहे हैं, और मछुआ भाई बहन उनको भी क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं। मेरी बहनों, संबल योजना फिर से चालू, अब मेरी गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक 16,000 रुपया लड्डुआ खाने के ये तुम्हारा भैया डालेगा खाते में, ताकि गरीब बहना भी लड्डू खा ले। अगर एक्सीडेंट पर मृत्यु हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, और गरीब बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, 60% वो देंगे, 40% मामा देगा, और कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहने दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में इलाज करेंगे, 5 लाख तक का फ्री में, केवल सरकारी की बात नहीं है, वो भी बट रहे हैं आज। खाद्यान्न जिनके रह गई थी 1 रुपया किलो की सूची से, आज उनकी पर्चियां भी बट रही है। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहन है, स्व सहायता समूह की बनाओ अलग अलग चीजें, क्रेडिट लिंक दे रहे हैं, केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी मैं भरवाऊंगा ब्याज। अलग अलग सामान बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारी आमदनी बढ़े, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मामा की जिंदगी सफल हो जाएगी, मुझे और क्या लेना देना, 4 बार बन गया, क्या करना है, केवल आपकी जिंदगी बदलना है बस। आज पीपलियाहाना में भी कार्यक्रम में देर हो रही है, मैं अलग अलग जगह, जहां हमारे भाई बहन बैठे रीवा में, नगर परिषद नागौद में, अयोध्या प्रसाद बर्मन बैठे हैं आज, बाद में उनसे भी बात करूंगा, अंजू केवट
नेहरू चौराहा मंडला में बैठी हैं, संतोष सांबले बस स्टैंड बड़वानी पे बैठे हैं, श्रीमती भूरी बाई नया बाजार बाहर गई नीमच में, शिव प्रसाद कुशवा पुराना बस स्टैंड उमरिया, सब बैठे हैं। किसी को आयुष्मान कार्ड, ये स्ट्रीट वेंडर की जो योजना है उसका लाभ मिलेगा, यहां के बहनों भाइयों को भी दूंगा। और इसलिए पहले पुलिस वालों का सम्मान और ये लाभ दूंगा। आज मैं माफी चाहता हूं इन सबसे, सतना मंडला बड़वानी नीमच नागौद में बात करने वाला था लेकिन देर हो गई है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। वो अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे, कोई फूल बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई कचौरी समोसा बेच रहा है, उन सबके काम धंधे आज चालू हो रहे हैं। सब्जी बेचने वाले, आलू बड़ा समोसा बेचने वाले, अरे तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाए, खूब अच्छी बिक्री हो, मेरे स्ट्रीट वेंडर हो, चिंता मत करो, हर महीने खाते में अलग अलग बहनों भाइयों के पैसे डाल के तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। तुमको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और एक बार मैं आपका साथ चाहता हूं माफियाओं के खिलाफ अभियान में, बोलो सब मेरा साथ दोगे, इधर वाले भी देंगे, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के कह दो, कानून का राज चलेगा, मामा का राज चलेगा, गुंडे बदमाश तबाह कर दिए जाएंगे, हम सब साथ है। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, सावेर वालों की, हर हर नर्मदे। इनको बुलवा लिया, सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपके अपने साथी हितग्राहियों को अब माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ वितरित करेंगे और इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री बबलू कमल मंडलोई जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे हितग्राहियों को लाभ वितरित करें। आदरणीय तुलसी भैया, राजेश भैया, प्लीज हितग्राही यही आ रहे हैं। हितग्राही यही आ रहे हैं। मेरी बहन रुके जी, दो मिनट आप भी रुको, पहले उन पुलिस वालों को सम्मान आज करना है, जनता के बीच में ही होना चाहिए जिनने ड्रग माफियाओं को पकड़ा है और उनके नेटवर्क को तबाह किया है, पहले उनको हम उनका मैं सम्मान करूंगा, तब तक सब बैठेंगे, अच्छा काम करने वाली पुलिस का भी सम्मान होना चाहिए, सब बैठे अपनी जगह और उसके बाद फिर अपने हितग्राहियों को मैं राज। हाँ, उनका नाम नाम बुला ले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा ड्रग माफिया पर ऑपरेशन प्रहार के तहत अब तक की देश व प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई पर 17 करोड़ रुपए की 70 किलो ड्रग्स जब्त कर अंतरराज्यीय 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम आदरणीय श्री गुरु प्रसाद पारासर जी से अनुरोध है कि वे अपनी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करें। टीम में है उप निरीक्षक श्री लोकेन्द्र सिंह हिहोर, उप निरीक्षक श्री राकेश डावर, उप निरीक्षक श्री नरेंद्र तिवारी, उप निरीक्षक श्री राजेश रघुवंशी, उप निरीक्षक श्रद्धा यादव, सहायक उप निरीक्षक मिर्जा सलीम बेग, प्रधान आरक्षक श्री भागवत कोहली, प्रधान आरक्षक श्री लक्ष्मण वास्कले, आरक्षक श्री दीपक थापा, आरक्षक श्री अनिल विसेन, आरक्षक श्री जगदीश दांगी, आरक्षक श्री राकेश कायत और आरक्षक श्री प्रकाश रघुवंशी। आप पूरी टीम ने आदरणीय श्री गुरु प्रसाद पाराशर जी के नेतृत्व में ड्रग माफिया को पकड़ा और एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका सम्मान करते हुए शॉल एवं श्रीफल से एक बार जोरदार तालियों से अब
अधिकारी साथ में लगाया सौ अधिकारी हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर्स एवं उनकी टीम का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि ड्रग्स से हमारे कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी नशे की लत में। अब हितग्राहियों का सम्मान, श्री बबलू कमल मंडलोई जी। बबलू कमल मंडलोई जी नॉर्थ ओरा इंदौर को जूते चप्पल के व्यवसाय हेतु 10,000 की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके पश्चात तैयार है सुश्री बिंदिया चमन लाल जाट, लोधा कॉलोनी इंदौर। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि शहरी पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत इन्हें ऋण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए की राशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना अंतर्गत बैंकों से उपलब्ध करवाई गई कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार द्वारा 7% एवं मध्य प्रदेश द्वारा 5% ब्याज अनुदान की राशि। सुश्री बिंदिया चमनलाल जाट, इसके पश्चात तैयार है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के श्रीमती सुगन गोकुल कैलोधाला इंदौर और श्रीमती ललिता भोलाराम कैलोधाला इंदौर। हितग्राही को लाभ का वितरण करते हुए श्रीमती सुगन गोकुल और श्रीमती ललिता भोलाराम। आयुष्मान भारत निरामय योजना, श्री रमेश बावस्कर जिन्हें हिप रिप्लेसमेंट हेतु MY अस्पताल में 90,000 रुपए की राशि का निशुल्क उपचार किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड श्री ब्रह्मानंद पिता गेंदालाल जी ग्राम डकाचिया को 1,00,000 रुपए की CC लिमिट स्वीकृत। श्री ब्रह्मानंद पिता गेंदालाल पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड में श्री लखन पिता भगत सिंह ग्राम कनाड़िया 1,00,000 रुपए इलाहाबाद बैंक कनाड़िया शाखा द्वारा स्वीकृत। मत्स्य पालकों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड श्री कैलाश पिता दौलत राम निवासी ग्राम रामपुरिया बुजुर्ग को मां भगवती मछली पालन सहकारी समिति के लिए 18,000 रुपए की राशि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत खाद्यान्न सुरक्षा पात्रता पर्ची के श्रीमती सुशीला डोडिया निवासी तलावली चांदा, सुशीला जी डोडिया, और राहत राशि के श्री बाबूलाल जयराम ग्राम सुल्ला खेड़ी तहसील सावेर को स्व सहायता समूह की कैश क्रेडिट लिमिट की श्री साईराम स्व सहायता समूह कंपेल इंदौर को 1,00,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। स्व सहायता समूह श्री साईराम कंपेल इंदौर। और बैंक ऑफ इंडिया ने इस योजना में 104% का लक्ष्य पूरा किया है, 100% से भी ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा बैंक है जिन्होंने अपने लक्ष्य को भी भेद दिया है।
100% नहीं 104% का लक्ष्य पूर्ण किया है। श्री अमिताभ बैनर्जी, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया। श्री अमिताभ बैनर्जी, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया। किसका? और अब हम चलते हैं प्रदेश के 5 निकायों के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे। नागोद सतना सतना से जोड़ दिया जाए। नागोद सतना जी मैडम। मैडम नागोद से जोड़ दीजिए। भैया सबको स्थान पर बैठने के लिए बोलो। हेलो, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। एक मिनट, आगे से रास्ता करके थोड़ा सा गोविंद सिंह जी आ जाइए। सब जने अपने अपने स्थान पे आ जाएं। करेंगे श्री अयोध्या प्रसाद वर्मन, नागोद सतना। सर, नागोद से कुछ बोले आप, नमस्ते करें अयोध्या प्रसाद जी। जी मैडम नमस्ते। अरे राजेश भैया जी नमस्ते। मैडम राजेश भैया जी नमस्ते। ले लो ले लो, अलग अलग सबके वो से ले एक फोटो खींच नहीं आया। एक एक सिंगल सिंगल सर सुनील भाई जी मैं एक 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 ले लो पहले भैया का से ले ले यार सुनील भाई इनका भैया वो से ले ले। हेलो, तो तस्वीरें आपने देखी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्ट्रीट वेंडर्स को, हितग्राहियों को राशि वितरित की और नया उद्योग खोलने के लिए साथ ही सहायता राशि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वितरित की और सभी को बताया कि प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। कैसे हो अयोध्या? बस अच्छा हूँ मामा जी, आपका आशीर्वाद है। अच्छा बताओ, लॉकडाउन में जी काम धंधा चल रहा था कि बंद हो गया था? बंद हो गया था मामा जी, बहुत बहुत दुखदाई था, बहुत कष्ट था, बहुत परेशानियां सामना करना पड़ा मेरे को। फिर उस समय तुमने क्या किया? कुछ न, सर जी घर में था, कुछ नहीं किया, बस जो घर में था बस वही खाते पीते थे, घर में रहते थे और कुछ सब पूंजी, जमा पूंजी भी खत्म हो गई थी। फिर क्या हुआ ये स्ट्रीट वेंडर वाली योजना में? कैसे पता चला प्रधान पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का? जी नगर पालिका से पता चला कि पीएम स्वनिधि योजना आई है, जिससे मेरे को 10,000 रुपए यूनियन बैंक शाखा नगोश से प्राप्त हुए हैं। फिर आपने क्या किया?
फिर अपना ठेला का पूरा सामान लेके लिया, ठेला कुछ मरम्मत कराया, कुछ सामान लिया, ये सामने ठेला लगा हुआ मेरा। ये जो पैसा मिला 10,000 बिना ब्याज का लोन, जी जी जी, इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं परेशानी, आराम से पैसा मिल गया था मेरे को। कोई ने पैसे ऐसे तो नहीं मांगे? बिल्कुल नहीं मांगे, बिल्कुल पैसे नहीं मांगे, पैसा किसी ने नहीं मांगा। मेरी कसम खाओ। आपकी कसम मामा जी। तो बिना लिए दिए हो गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कैसा चल रहा है काम धंधा? बहुत अच्छा चल रहा मामा जी, बहुत अच्छा चल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आपका। महीने में कितनी बचत हो जाती है? महीने में 6,000 से 7,000 रुपए बचा लेता हूँ मैं। चलो बहुत बधाई, गरम गरम मुंगोड़े निकल रहे हैं, थोड़ा हमें भी भिजवा दो भाई। मामा जी जब कभी नागौद आइएगा मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। तो ठीक है, मैं जरूर कभी नागौद आऊंगा। जी मैडम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अंजू केवट, अंजू कैसी हो बेटी? अच्छे है मामा जी, राम राम। राम राम। सब्जी का काम कब से कर रही हो, सब्जी बेचने का? सब्जी बेचने का तो लॉकडाउन के पहले से कर रहे हैं, उसके बाद फिर बंद हो गया बीच में, दोनों बीमार पड़ गए थे। हाँ, बीमार पड़ने से लॉकडाउन में दुकान बंद हो गई थी, तब काम कैसे चला फिर? मामा जी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, 1-1 रुपए के लिए हो गए थे। फिर कैसे जिंदगी की गाड़ी चली? ये पता चला ना कि स्वनिधि योजना आई है, उससे 10,000 लोन लिए और सब्जी का व्यवसाय फिर चालू करे। लोन आसानी से मिल गया था या परेशानी हुई कोई? नहीं, सेंटर बैंक से बहुत आसानी से लोन मिल गया था। कुछ लेना देना तो नहीं पड़ा? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल 1 रुपए नहीं लगे। अब कैसा चल रहा है सब्जी का धंधा अपना? बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, महीना भर में कितनी बचत हो जाती है लगभग? महीना भर में 7,000 से 8,000 की बचत हो जाती है। 7,000 से 8,000 बच जाते हैं महीना भर में? जी। मेरी अंजू बहन को बहुत बहुत बधाई जी, हमेशा खुश रहो। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बीपीएल कार्ड में फ्री पढ़ाई कर रहा है। हाँ। और गुड़िया का लाडली लक्ष्मी योजना भी है। अच्छा जा जा जा, बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में पहुंच गई वो? 8th में है। 8th में है तो अच्छे से पढ़ाना, भांजी है मेरी। हाँ। मारती पीटती तो नहीं हो उसको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ठीक है बेटी, बहुत बधाई आपको भी। संतोष सामले, हाँ संतोष सामले बड़वानी। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। सांसद जी भी आपके साथ खड़े हैं और अध्यक्ष जी भी हमारे खड़े हुए हैं, हमारे सुमेर सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर। क्या हाल है भैया, पानी पूरी तो बड़ी शानदार दिख रही है। हाँ सर, इंतजार कर रहे थे सर आपका, बाकी आप आ नहीं पाए इधर। अरे कभी हमें भी खिलाओ, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ सर, मोदी जी को खिला दिए, सांसद जी को खिला दी सर। अब भैया सांसद जी ने खाई तो हमने खाई, ये थोड़ी होता है, जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा। मामा जी अच्छा बताओ, कैसे ये जो पैसा मिला पीएम स्ट्रीट वेंडर वाला, इसमें कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं मामा जी, कुछ भी नहीं। सही बताना, नहीं तो उन्हें कह दियो कर्मचारी अधिकारियों ने, कहना मामा सब अच्छा है। नहीं 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 मामा जी, नहीं सब कुछ भी नहीं है, सभी काम बढ़िया से हो गए सर। अच्छा, अब लॉकडाउन के बाद अब गाड़ी पटरी पे आ गई? आ गई आ गई। अब महीने में कितनी बचत हो जाती है मामा जी? ये 6,000-7,000 रुपए मिल जाते हैं। चलो 6,000-7,000 में अपना काम चल जाता है। हाँ चल जाता सर। अच्छा आपको ये पता है कि अगर ये पैसे आप वापस कर दोगे? हाँ। तो अगले साल फिर 20,000 मिल जाएंगे। सर मेरी 3 वो किस्त कट गई है सर। तो बराबर वापस जा रहे हैं, बराबर वापस। हाँ। जा रहे हैं पैसे। हाँ। देखो ये अपन ने वापस किए तो अगले साल 20,000 फिर मिल जाएंगे। हाँ। और वो वापस किए तो फिर 50,000 उसके बाद मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे अपना काम बढ़ता जाएगा, है ना? हाँ सर। और आपकी योजनाओं का और भी बहुत लाभ मिल रहा है मामा जी। और कौन सी योजना का लाभ मिला? सबल योजना का, प्रधानमंत्री अपने जो जनधन खाता। और चलिए अच्छा एक बात सच्ची सच्ची बताना, मामा मुख्यमंत्री बन गया चौथी बार तो खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत बहुत ज्यादा, दिल से आपको बधाई दे रहे हैं। और अभी कैसी बात है, मेरी गुड़िया मेडिकल कॉलेज कर रही है मामा जी।
चलो बहुत सुखी रहो भैया, पूरा परिवार सुखी रहे, हमारे सांसद मित्रों को और जिलाध्यक्ष को भी धन्यवाद। हमारे श्रीमती भूरीबाई हैं क्या? सर नमस्ते। नीमच नमस्ते, कैसी हो बेटी? नमस्ते, फूलों का काम दिख रहा है आपका तो? हाँ हाँ सर। कब से कर रही हो ये काम? ये 10 साल हो गए सर मेरे को। 10 साल हो गए। अब दिलीप भाई भी हमारे खड़े हुए हैं और और ये दोनों फूल से बच्चे भी बैठे हुए हैं। हाँ, एक तो दिख रहा है सामने, पढ़ रहे हैं ये? हाँ पढ़ रहे हैं सर। अभी तो स्कूल बंद होंगे लेकिन लॉकडाउन में, अब जल्दी खुलवाने वाला हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा लॉकडाउन में तो फूल बिके नहीं, फिर कैसे काम चला? जैसे पेंशन आ रही थी भी तो 500 रुपए आए थे सर हमारे खाते में जमकर, और राशन फिर इस योजना का पता कैसे चला? फिर धीरे धीरे बैठने लगे, माला की दुकान लगाने लगे लॉकडाउन से, जब से हमको सूची मिली कि हाँ ये योजना तो उसमें फिर मालूम पड़ा। फिर आराम से पैसा मिल गया कि चक्कर काटने पड़े? नहीं आराम से मिला सर पैसा। अब महीने भर में बचत कितनी हो जाती है? 6-7 हजार हो जाती है सर। तो इस फूलों के काम से खुश हो आप? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत बहन बधाई, आपको भी बधाई, हमारे अध्यक्ष जी भी है, दिलीप भाई भी हमारे खड़े हैं, बहनें भी हमारी साथ में, आपको बहुत बहुत बधाई। शिव प्रसाद कुशवाहा जी हैं? हाँ मामा जी, राम राम। राम राम, अरे वार करता हूँ, बुद्धि अभिनंदन करता हूँ मामा जी आपका, स्वागत जी। अरे गद्दे गद्दे रजाई दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ मामा जी, ये सब आपकी देन है मामा जी, 10 हजार जो मिले उसी से मैंने गद्दे रजाई बेचना शुरू किया मामा जी। अच्छा पहले क्या करते थे, इसके पहले भी? सीजनली काम करता हूँ मामा जी, सब्जी का काम करता था और फल बेचता था। अच्छा सर्दियों में ये गद्दे रजाई का काम चलता होगा? जी मामा जी, सर्दियों में रजाई गद्दे का काम करता हूँ। ये पैसे मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं मामा जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई मुझे आपकी तरफ से। आसानी से मिल गया या कुछ लेना देना पड़ा? एकदम नहीं मामा जी, 1 रुपया नहीं देना पड़ा, एकदम बहुत सरलता से मिल गया था मामा जी पैसे। अब ये सीजनल काम है तो सर्दियों के बाद क्या करोगे आप? हाँ मामा जी, फिर सर्दियों के बाद मैं सब्जी का ठेला लगाने लगता हूँ मामा जी। सर्दी के बाद जी मामा जी। तो ये इसमें से जो पैसा बचाओगे वो उसमें लगा दोगे फिर? हाँ मामा जी, जो इससे राशि बचेगी उसमें मैं सब्जी के ठेला का व्यापार चालू करूंगा मामा जी। अब इसमें बचत कितनी हो जाती है भैया? मामा जी वो 7-8 हजार रुपए पर मंथली मेरी बचत हो जाती है। अच्छा ये बेटी खड़ी है अपने पास में? हाँ मामा जी, बेटी खड़ी है, 12वीं क्रॉस कर चुकी है इसी सत्र में। क्या नाम है बेटी? सेजल कुशवाहा। अच्छा बेटी, ये 12वीं के बाद क्या करना है? मामा जी कॉलेज चल रहा है, DCA और BSc। अच्छा बेटी, बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ना, आपको भी बहुत बहुत बधाई शिव प्रसाद भाई, बहन और बेटी को भी बधाई, आप अच्छे से आगे बढ़े यही काम से। आपका कोट कोट बंधन अभिनंदन और धन्यवाद, स्वागत। चलिए हमेशा प्रसन्न रहे, और ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स को आज पूरे प्रदेश में लोन मिला है, जहां जहां मेरे स्ट्रीट वेंडर भाई बहन मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं। आपके लिए सरकार है, आपका काम धंधा अच्छा चले इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हजारों स्ट्रीट वेंडर भाई बहनों के खाते में ये पैसा जाएगा और उनका काम धंधा अच्छा चलेगा, उन सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की जय। बोलो बोलो बेटा, सर वो गाड़ी का बोल दो सर। 10 लाख से अधिक, एक मिनट रुको ना, ये चारों जगह कहाँ कहाँ पैसे डलना है, एक मिनट बोल लाओ ना सूची लाइए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम भोपाल के खाते में 44 करोड़, नगर पालिक निगम ग्वालियर के खाते में 25.5 करोड़, नगर पालिक निगम इंदौर के खाते में 50.5 करोड़, नगर पालिक निगम जबलपुर के खाते में 29.5 करोड़, ऐसे 149 करोड़ 50
1000 रुपया डाल रहा हूं मैं यहीं से क्लिक करके, ताकि इन शहरों में विकास हो सके। कमलनाथ के जमाने में तो धेला को भी तरस गए थे लोग, अब पंचायतों में भी पैसा जा रहा और नगर निगमों में भी जा रहा, नगर पालिका में भी जा रहा। चिंता मत करना मामा, गड्ढ कर देगा, विकास खूब होता रहेगा। ठीक है, अब कचरे की गाड़ी क्या लाई ग्राम पंचायत को कचरा गाड़ी, ग्राम पंचायत ढावली को एक कचरा गाड़ी भेंट की जा रही है। ढावली बहुत स्वच्छतम गांव हमारा बने, ये मेरी कामना है। प्रेम सिंह जी, बाकी सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। गांव का भी मास्टर प्लान बनाना है। सरपंच तरस गए थे कमलनाथ जी के जमाने में, आया था ढेला, अब मामा ने फिर भेजना शुरू कर दिया है। पंचायतें भी आगे बढ़े, धन्यवाद। तस्वीरें आपने देखी जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन 10,000 रुपए दिया गया था उसका फीडबैक लिया, कहीं कोई लापरवाही कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस बात को भी उन्होंने जाना और सभी से पूछा कि क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या कोई दिक्कत आ रही है, और सभी का फीडबैक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया। सभी को लोन की राशि वितरित की, वहीं विकास कार्यों के लिए भी राशि सभी के खातों में पहुंचाई।